कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन पीपल लाइक मी. आई कैंट यूज दिस इन समर. अभी मैं आपको बताती हूँ, लाइक आपको कोई एक फोकस एरिया पे देखना है ना, तो आपको बराबर अरे कहना क्या चाहते हो. Hi my loves, what's up and welcome to my channel. I hope you guys are doing fantastic. So in today's video we are going to talk about another new launch and I was expecting this from long time from the brand Mama Earth. So as you guys know, 2022 was all about the blushes and tints and lip and cheek tint and cream blushes and whatnot. So obviously I was expecting Mama Earth to launch something in this category since they have launched so many products in their makeup range. I think they call it like a color care range. But Mama Earth ne abhi tak like 2022 mein bahut sare product launch kiye the in their makeup range. And I was waiting for this particular one because ye mera sabse zyada use hota hai in general. So I was talking about this cutest launch from Mama Earth, and it's their Mama Earth Nourishing Natural Lip, Cheek and Eye Tint. And they have launched in these three shades as of now. मैंने Mama Earth का एक strategy देखा है starting में, you know, वो थोड़ा सा कम range में launch करते हैं product, like 2-3 product in one range and then they expanded. So maybe ऐसा कोई strategy होगा इसके पीछे. So if you guys wanted to know more about these teeny tiny blushes, then please keep on watching. Alright, so now let's talk more about this product, and it comes in this cute little cardboard box. तो मैं इसका एक जनरल इन्फॉर्मेशन पहले आपको बता देती हूँ बिफोर वी गेट इन टू द स्वॉचेज. सो दिस 4 ग्राम ऑफ ब्लश विल कॉस्ट यू ₹399 और ये 2 साल की शेल्फ लाइफ के साथ आता है. एंड एक्चुअली ये जो है ना, ये बहुत छोटू सा है, इतना सा. लाइक व्हेन आई बॉट दीज फ्रॉम अमेजोन, तो ये मुझे ना ऐसे बड़े से कॉम्पैक्ट वाले साइज के लगे थे बिकॉज वैसे उन्होंने इमेज दिया था. बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस साइज, बट देन आई सॉ द क्वान्टिटी एंड 4 ग्राम का है, तो या आई थॉट ठीक है ये छोटा ही होगा. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ओके, सो Mama Earth के सारे मेकअप इंग्रेडिएंट्स में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज द विटामिन सी इंग्रेडिएंट, जो कि इन्होंने इसमें भी मेंशन किया हुआ है, इसमें भी इंक्लूड किया हुआ है. सो व्हेन यू सी द पैकेजिंग, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है उन्होंने नरिशिंग नेचुरल लिप चीक एंड आई टिंट एंड विटामिन सी. बट विटामिन सी के अलावा भी इन तीनों में अलग अलग इन्ग्रीडियंट्स है. एंड द मोस्ट अनकॉमन थिंग आई फाउंड अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दैट मैंने अभी तक जो भी देखा है ना, लाइक एक रेंज में सपोज दे हैव 10 ब्लशेस या 10 लिप एंड चीक टिंट, तो उनके सबके फ्रेगरेंसेस सेम होते हैं. बट इनका वैसा नहीं है, इनके सबके फ्रेगरेंसेस अलग है और इनकी इन्ग्रीडियंट्स भी अलग है. तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इस प्रोडक्ट के बारे में, इट कम्स विद दिस क्यूट लिटिल मिरर और इन्होंने ऐसा एक सेपरेटर दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसा प्लास्टिक का थिन प्लास्टिक का शीट है ताकि प्रोडक्ट आपके मिरर पे ट्रांसफर ना हो. एंड हियर यू विल फाइंड द प्रोडक्ट. ओके, सो बहुत ज़्यादा बातें हो गई एंड आई नो यू गाइस आर हियर पर्टिकुलरली फॉर स्वॉचेस, मेनी ऑफ यू. सो आई विल स्वॉच देम ऑन माई आईज, चीक्स एंड लिप्स. मैंने अभी कोई भी मेकअप नहीं लगाया हुआ है एक्सेप्ट काजल एंड आई लाइनर. मैंने लिप्स पे फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, सो दैट यू गाइज कैन सी द एक्चुअल शेड ऑफ ईच प्रोडक्ट. आई हैव द शेड नंबर 1 बीट रेड. एंड इफ आई टॉक अबाउट द इन्ग्रीडियंट अबाउट दिस पर्टिकुलर वन ना, सो इन्होंने यहाँ पे लिखा है इट मेनली कंटेंट्स विटामिन सी विथ बीट रूट. सो बेसिकली विटामिन सी है विच हेल्प्स टू ब्राइटन योर स्किन एंड जो बीट रूट है दैट प्रोवाइड्स एंटी ऑक्सीडेंट बेनिफिट. इन्होंने इसका नाम तो बीट रूट रेड रखा है, बट दिस इज वेरी नाइस पिंकी शेड. ये बिल्कुल भी रेड रेड जैसा नहीं दिख रहा है ऑन माई स्किन. सो अगर मैं फ्रेगरेंस की बात करूँ तो 01 जो है दिस इज द बीट रेड. और इसका जो फ्रेगरेंस है ना, इट्स नॉट लाइक अ बीट रूट, बट ये बहुत सारा यू नो एक वो सलाड वाला जो फ्रेगरेंस होता है ना, वैसा वाला इसको फ्रेगरेंस है. सो इट्स लाइक मिक्स ऑफ कैरेट बीट रूट और ऐसा अलग एक फ्रेश स्मेल होता है ना, फ्रेश फ्रेगरेंस होता है सलाड को, तो इसका वैसा वाला फ्रेगरेंस है. सो ऑन लिप्स इट इज लाइक अ लिप बाम, मोर लाइक अ लिप बाम ओनली. इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक कलर लाइक पिगमेंटेड लिप बाम्स होता है वैसी है. एंड सेम लाइक दैट वी हैव शेड नंबर 2 कोको न्यूड. और इसके भी इंग्रेडिएंट्स पे दे हैव अ कॉमन इंग्रेडिएंट दैट इज विटामिन सी, और इसके अलावा इसमें जो इंग्रेडिएंट है दैट इज कोको विच प्रोवाइड्स मॉइस्चराइजेशन, हम सबको पता है. और इसको बहुत ही स्वीट चॉकलेटी काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है, इसको
लाइक मोस्टली जो आपको शिया बटर में जो फ्रेगरेंस मिलता है ना, वैसा वाला ये फ्रेगरेंस है कोको एंड शिया बटर में जो रहता है. देन शेड नंबर 3 इज रोज पिंक बेसिकली, और इसके नाम से ही पता चल जाता है. सो ऑब्वियसली विटामिन सी के अलावा इसमें रोज पेटल्स इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं. एंड दिस इज अ वेरी नाइस रोजी पिंक. भले ये पैन में आपको थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा, मोर लाइक अ मजेंटा रानी कलर, बट ये बहुत सटल दिखता है लिप्स पे एंड चीक्स पे. ओके, सो इसका भी बहुत अच्छा, दिस इज नॉट अ रोजी रोजी फ्रेगरेंस बट दिस इज लाइक अ फ्लोरल फ्रेगरेंस. तो इन तीनों के जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग है. Okay, so those were all these swatches and I hope you guys found your favorite shade in this. So all in all, if you ask about my review and my rating, so out of 5, I will give this product 3.5 out of 5. Now why 3.5, 1.5 star when I especially kata, because I found some cons in this, but let's talk about the good things first. So the first good thing is these lip and cheek tints are very, very, very hydrating. They have like a balmy texture. जैसे मैंने लगाया ना, मुझे ऐसे लग रहा है मैंने कोई लिप बाम ही लगाया है. इट्स नॉट लाइक लिप एंड चीक टिंट जैसे मैंने पहले स्विथ ब्यूटी वाला रिव्यू किया था. सो दोज आर मोर पिगमेंटेड एंड मोर सैचुरेटेड एंड नॉट मोर हाइड्रेटिंग. तो ये वैसे नहीं है, ये प्रॉपर लिप बाम वाली कंसिस्टेंसी के है. वैसलीन जितना सा ऑयली स्टिकी होता है उतना नहीं है, बट नॉर्मल एक लिप बाम होता है, ये वैसी कंसिस्टेंसी के है. सो दिस इज डेफिनेटली अ बामी कंसिस्टेंसी. और अगर टॉकिंग अबाउट द पिगमेंटेशन, दीज आर नॉट सुप्रीमली पिगमेंटेड आई वुड से. दे हैव लाइक अ बिल्डेबल कवरेज. दीज आर लाइक लो टू मीडियम कवरेज. एकदम ऐसे आप लगा के फर्स्ट इसमें लगाओगे तो वैसे नहीं है, बट या लिप एंड चीक टिंट वैसे ही होने चाहिए. दे शुड बी ईजिली ब्लेंडेबल. सो या दैट इज़ वन प्रो कि ये बिल्डेबल है. लाइक इवन मैं इसको अभी पकड़ूंगी यहाँ पे, ये जितना पैन में जितना डीप दिख रहा है, इवन फॉर माई लिप्स, आईज और चीक्स, कहीं पर भी आप देख लो, ये पैन में आपको ज़्यादा डीप दिखेगा बट ये स्किन पर उतना डीप नहीं दिखता है. Then the third thing I like about it, it's a packaging. This is a very small and very cute packaging. अगर मैं मेरे palm पे देखोगे ना, तो ये देखो इतना सा दिख रहा है. आपको इसको compact के साथ भी compare करके दिखाऊँ तो देखो ये कितना छोटू सा है. So you can easily carry this in your purse, in your wallet. आपके छोटे से जो purse होते हैं, छोटे wallet, उसमें भी आराम से चला जाएगा. So, and the best part about it, the fourth thing I like that they have a mirror. और आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटू सा मिरर है, बट ये बहुत ज़्यादा काम का मिरर है. मैं आपको बताती हूँ, लाइक आपको कोई एक फोकस एरिया पे देखना है ना, तो आपको बराबर उतना ही दिखेगा, लाइक मैं आईज, माई लिप्स. तो ये बहुत सही मिरर इन्होंने देख के रखा है. देन अनदर प्रो आई फील अबाउट दिस, दैट दीज आर वेरी हाइड्रेटिंग, जो मैंने पहले बोला आपको. सो दीज आर बेस्ट सूटेबल फॉर विंटर्स एंड ड्राई स्किन पीपल. देन टॉकिंग अबाउट द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, दीज विल कॉस्ट यू फॉर रुपीज 399, विच इज़ लाइक 400 रुपीज फॉर 4 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, which is I think like a medium price range. I won't call it very costly or very affordable. Definitely same quantity में आपको 1000 में भी products मिल जाएंगे और 399 के नीचे भी मिल जाएंगे. सो इसकी जो प्राइस रेंज है एज कम्पेयर टू अदर मामा प्रोडक्ट्स, वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज है, which is very good. And the 4 gram will last you for very long time. Now there are few things which I didn't like about these products, which we consider as a con always. So the con number one, I feel like, जो मैंने बताया, एक इसका बामी कंसिस्टेंसी है, बाम जैसा टेक्सचर है. सो दिस इज प्रो ऑल्सो एंड कॉन ऑल्सो. प्रो फॉर ड्राई स्किन पीपल एंड फॉर विंटर, बट दिस इज लाइक मोर लाइक यू नो लिप बाम कंसिस्टेंसी. सो जो कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन पीपल लाइक मी, आई कैंट यूज दिस इन समर, बिकॉज ये अदरवाइज ऐसे ना, आई डोंट नो, मेरे मुझे ऐसे लगेगा कि ये मेरे पोर्स को बंद कर देगा एंड मे बी आई दैट विल कॉज एक्ने फॉर मी. सो द कंसिस्टेंसी कुड हैव बीन लिटिल बेटर, लाइक यू नो ऐसे एक पाउडरी, वेट पाउडरी फॉर्मूला आता है, दोज कंसिस्टेंसी आई रियली लव इन लिप एंड चीक टिंट. बट ये बहुत ज़्यादा बामी कंसिस्टेंसी का है. डेफिनेटली ये बिल्ड करने के लिए और आपको ब्लेंड करने के लिए ईजी जाता है, बट अगेन being oily skin person, I don't prefer such lip and cheek tints. Then con number 2 I felt is the shade range. इनको मुझे लगता है और इसमें shade include करने चाहिए. These are like just 3 shades. उसमें जैसे भी 2 shades हैं वो literally like बहुत similar है. दोनों के दोनों pink undertones में हैं और एक nude में है. So the whole range I feel is more like a pink undertone. बहुत सारे लोग होते हैं जिनको peachy blush अच्छे लगते हैं, बहुत सारे लोगों को berry blush अच्छे लगते हैं. So वो shades इसमें नहीं है. तो I think Mamaearth को और इसमें शेड्स इंक्लूड करने चाहिए. देन कॉन नंबर 3 आई फेल्ट बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी बामी है. सो अभी तो चलो मैंने मेकअप नहीं लगाया है, दैट्स वाई इट सेट्स ऑन माई स्किन वेरी नाइसली. बट अगर आपने हैवी फाउंडेशन वगैरह लगाया हुआ है, दिस इज गोइंग टू रिमूव योर मेकअप फॉर श्योर. देन द कॉन नंबर 4 आई फेल्ट दीज आर नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक अभी तो ये मैंने लगाया हुआ, बट इसके पहले जब मैंने ट्राई किया था, आई जस्ट यू नो अप्लाइड ऑन माई लिप्स एंड देन आई हैड माई लंच आफ्टर 1 आवर. सो और ये मेरे लिप्स से पूरा का पूरा चला गया. सो डेफिनेटली दीज आर नॉट वेरी लॉन्ग
लास्टिंग. इसका एक प्रो मैं पहले बताना भूल गई, इवन दो ये थोड़ा सा बाम टाइप का है, बट इसमें ना बिल्कुल भी मुझे स्टिकी नहीं लग रहा है. सो दैट इज वन प्रो आई फॉरगॉट टू इंक्लूड. दैट इज दैट दीज आर डेफिनेटली नॉट स्टिकी. अगर मैं इनको आईज पे भी लगाती हूँ, मैंने आईलिड्स बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लग रहा है. So these are non-sticky, that is another pro. And the last con and disappointment I felt about these products is they do not come with a brush. Like अगर आप 400 रुपये ले रहे हो तो आपको एक छोटा सा ब्रश इसके साथ देना चाहिए to apply at least on your lips. अगर आप lips पे इसको लगाओगे ना तो बहुत बार क्या होता है, जिनके बहुत छोटे lips है ना वो spread हो जाएगा, बाहर चला जाएगा. So if it's around like 100, 200, चलो 250, 300 का भी होता तो मैं समझ सकती थी कि इन्होंने ब्रश नहीं दिया इसके साथ, दैट इज़ फाइन. बट इनको एक लिप ब्रश देना चाहिए था बिकॉज दे आर कॉस्टिंग यू फॉर 400 rupees. बट इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इन डिस्काउंट एंड डू बाई फ्रॉम मामाज ऐप और वेबसाइट, यूज़ माई कोड AMI2023 और AMI2022, जो भी अप्लीकेबल होगा, जो भी आपको डिस्काउंट देगा, यूज़ दैट कोड एंड यू विल सेव अराउंड 79 or 80 rupees एज पर माई कूपन कोड, दैट इज 20%. तो ये आपको 80 rupees सस्ता पड़ेगा 399 से. इट विल कॉस्ट यू फॉर ऑलमोस्ट लाइक 300 or 310 depending on your purchase and other offers. Another thing I would like to suggest you guys to get these on offer, जो उनका buy one get one चलता रहता है. If you guys want to try two shades, तो आप buy one get one offer में ले लो. Almost a couple of month में, हर month में buy one get one कभी ना कभी उनका आ जाता है. So I would highly recommend that to get these products on buy one get one offer. And that's all for today's video guys. Thank you for sticking till the end. I hope you like it and enjoyed watching my content. If you do so, then don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. And I shall see you super soon in my next new launch video. Till then, watch my other videos. Take care and bye-bye.